मोटो जी 10 पर एक मोटो जी सीरीज में नया बजट स्मार्टफोन है विच कम्स विद अ 6000 mAh बैटरी जो इसकी USP है. वेल इस फोन के कॉम्पिटिटर्स हैं रियलमी नार्जो 30A एंड Redmi 9 Prime जो इसको टफ कंपटीशन देने वाले हैं. अब ये फोन उन फोन्स को कितना टफ कंपटीशन देने वाला है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे. हाय एवरीवन, मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक. आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूं मोटो जी 10 पार को. इसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि ये कितनी क्षमता रखता है, कितना फीचर से ये अपलोडेड है और ये हमें क्या क्या ऑफर कर रहा है वो सब कुछ. लेकिन उससे पहले आपको पता है आपको जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाएं. सो विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले मोटो जी 10 पार के स्टर्डी लुक्स के बारे में. तो पहले तो आप जब फोन अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आपको एक काफी बढ़िया सॉलिड स्टर्डी डिजाइन वाला फोन मिलता है. व्हेन यू होल्ड द फोन इसकी ग्रिपिंग भी काफी तगड़ी है क्योंकि इसका जो कर्वी डिजाइन है वो इसकी ग्रिपिंग को काफी ईजी बना देता है. ये ईजिली आपके हाथ से स्लाइड नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता, तो वो इसका प्लस पॉइंट है. यू गेट अ टेक्सचर्ड बैक जो एक प्लास्टिक की बॉडी के साथ आती है. आपको इसके अंदर कोई कवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये कोई स्मजेस भी अट्रैक्ट नहीं करता है. इसका डिज़ाइन जो पीछे का है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है और आपको अच्छा लगने वाला है विद द काइंड ऑफ कलर्स द मोटो जी 10 पार में आपको जो मिलने वाले हैं. व्हेन वी लुक एट द कैमरा डिज़ाइन वो भी काफ़ी अच्छे फिनिश में दिया हुआ है. 4 कैमरा आपको इसके अंदर मिलते हैं. बीच में आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग मिलती है जो आपके फ़ोन को एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करती है जिसमें आप अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं. देन नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, स्पीकर्स मिलते हैं, ऊपर 3.5 mm जैक मिलता है. लेकिन बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन्स नहीं मिलने वाले हैं तो आपको अलग से यूज़ करने पड़ेंगे या अलग से खरीदने पड़ेंगे. देन राइट साइड में नज़र डालें तो यू गॉट द कीज़ ओवर हियर. एक पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है और एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की है. एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है. अब ये तो बात थी इसके स्टर्डी लुक्स की. जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा वो है कि ये फ़ोन थोड़ा मोटा है और थोड़ा हैवियर साइड में आता है जो मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है इस फ़ोन में. बट ड्यू टू इट्स हैवी बैटरी विच इज़ 6000 mAh आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और इसका साइज़ भी इसीलिए थोड़ा ब्रॉड है. बट इस प्राइस रेंज के अंदर थोड़े स्लिमर फोन्स भी हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट चुप जाता है. अब नजर डालते हैं इसके डिस्प्ले पर. वेल डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलती है. 100% ब्राइटनेस पर ये काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है एंड इफ यू कीप इट लेस देन 60% तो आपका डिस्प्ले डल दिखता है. डायरेक्ट सनलाइट में अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई है इसके डिस्प्ले के ऊपर. और इंडोज़ में ये अच्छा काम करता है. आपके वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है. सॉफ्टवेयर पर नज़र डालें तो ये 0 ब्लोटवेयर वाले स्टॉक एंड्रॉयड पर रन करता है जो इसकी वन ऑफ द हाइलाइटिंग पॉइंट्स भी है क्योंकि अगर हम इस प्राइस पॉइंट में बाकी के फ़ोन्स को देखते हैं तो दे रन ऑन कस्टम UI फीचर्स एंड प्रीलोडेड ऐप्स के साथ भी आते हैं जो काफ़ी यूजर्स के लिए यूज़फुल भी नहीं होती हैं और फ़ोन में काफ़ी जगह भी घेरते हैं. बट विद मोटो जी 10 पार आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के चिपसेट मिलता है जो मुझे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते वक्त ज़्यादा स्मूथ नहीं लगा. लेकिन हम इसे इग्नोर कर सकते हैं विद द प्राइस इट्स बीइंग ऑफर्ड ऑन एंड विद द काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इट ऑफर्स. आपको ऐप स्विच करते वक्त या फोटोज़ क्लिक करते वक्त थोड़ा वेट करना पड़ सकता है या आपके पेशेंस को थोड़ा सा टेस्ट करेगा क्योंकि इतना इंस्टेंट और फास्ट नहीं है. Well, the highlight of the phone is the massive 6000 mAh battery जो काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ निभाती है. एंड अगर आपको कोई मूवी देखनी है या वीडियो सर्फिंग करनी है तो ये आराम से एक दिन काट लेता है. और मॉडरेट यूसेज के साथ जैसे कि स्क्रोलिंग, कॉलिंग या फिर नॉर्मल सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ तो ये एक दिन से थोड़ा ज़्यादा भी लास्ट करता है विच इज़ क्वाइट कूल अबाउट इट. अब कैमराज में देखें तो आपको इसके अंदर 48 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो डिसेंट और फोटोज़ थोड़ी बहुत बढ़िया क्लिक कर लेता है. और इसमें आपको बाकी 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 2 MP के पोर्ट्रेट और मैक्रो लेंस मिलते हैं. एंड सेल्फी एंड वीडियो कॉलिंग के लिए आपको इसके अंदर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. स्टोरेज में आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज स्पेस मिलती है. बाकी आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के साथ इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं.
वेल, ये तो थे मोटो जी टेन पार के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। हमने इसका कैमरा भी देखा, हमने इसको यूज़ भी किया काफ़ी लंबे समय तक, इसकी बैटरी को भी चेक किया। एक्चुअली ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया काम करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ठीक नहीं लगे। जैसे कि मैंने बताया कि इसका हैवी वेट है, थोड़ा सा मोटा है ये फ़ोन, थोड़ा स्लो हो जाता है स्विच करने में एक्टिविटीज़ को। कैमरा भी इसका प्रीटी डिसेंट है इस प्राइस रेंज के अंदर, हम इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसकी 6000 mAh बैटरी, एंड स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था इस फ़ोन का। मतलब मेरे कोई प्री लोडेड ऐप्स से तो मेरे को बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसके अंदर ऐसी कोई ऐप्स नहीं थी जो मुझे अपने हिसाब से डाउनलोड करनी थी, वो मैंने की और उसी हिसाब से यूज़ किया इस फ़ोन को। तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स को एक अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाला है। और अगर आप ऐसे ही किसी फ़ोन की तलाश में हैं जो आपको एक बढ़िया बैटरी दे, अच्छा व्यू एक्सपीरियंस हो और कैमरा भी प्रीटी डिसेंटली काम करे, तो आई थिंक मोटो G10 आपका एक ऑप्शन हो सकता है। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी उन लोगों के साथ कीजिए जो एक बजट रेंज के अंदर एक स्मार्टफोन की तलाश में हैं। उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगी और आप उनको ये फोन भी रेकमेंड कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।